सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है वेडनेसडे, टाइम हो रहा है अराउंड 1 बजने वाला। नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं, कपड़े वगैरह आयरन कर लिए हैं लास्ट की नर्सरी ड्रॉप करने जाने के लिए। चाहे मैंने नहीं भी, मैंने सोचा उसको छोड़ के घर आके फिर आराम से इंजॉय करके पीऊंगी। अभी जारसी को दूध गर्म करके देने लगी थी, उसके बाद चेंज वगैरह करते हैं, रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और जब आप रात को हेयर वॉश करके सो जाओ तो फिर सुबह बाल इस तरह से हुए होते हैं। हाँ जी, तो हो गए हम रेडी। मैं जारसी दिखाओ, जारसी के लिए दूसरी जैकेट पहनी है। आज बाय रेन हो रही है शायद, है ना, और सर्दी आ गई इसलिए हमने ये वाली जैकेट्स पहननी है, सर्दी भी आ गई इसलिए भी। और आज हम बहुत लेट हो गए इसलिए जल्दी से निकलते हैं और अब मैं शायद आपको वापस आके मिलती हूँ, ठीक है, बाय। सो बारिश तो हो रही है तो ये देखिए मेरा हाल क्या। तो यहाँ पे ऑटम आ गया हुआ है इसलिए सारे पत्ते वगैरह अब नीचे गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ का ऑटम जो है ना विंटर ही है ऑलमोस्ट। अभी भी पानी है, यहाँ का ऑटम जो विंटर्स की तरह ही होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं। क्या कहोगे? चले जाओगे? चले जाओगे? चले जाओ फिर, मैं चली जाऊँ घर। ओके जाऊँ, चलो। हाँ ये देखें ऑटम, पत्ते पत्ते नजर आएंगे जहाँ देखोगे आप लोग। जी चलो, वाइट एंगल हुआ हुआ ये तो। यस, तो अभी मैं लास्ट को छोड़ के घर वापस जा रही हूँ। मेरी जैकेट को देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा बारिश कितनी तेज हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। मैं छोड़ूंगी ना ये मेरी जैकेट ऐसे चली जाएगी। तो खैर, हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, मज़ा तो बहुत आ रहा है चलने का ऐसे मौसम में, लेकिन तबीयत बस खराब ना हो जाए। बाकी खैर है, चले बस घर आने वाला, अब घर पहुँच के फिर आपको मिलती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई एम बैक होम। थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है वॉक करके, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ खाई ना पिछले दिनों, तो अच्छा भी लग रहा है कि जो थोड़ी वॉक हो गई है। और अभी मैं करने लगी थी व्लॉग एडिट जो कि मैंने आज अपलोड करना है। और अभी मैं बनाऊंगी अपनी चाय क्योंकि सुबह से नहीं पी, और अभी तो सर्दी में होके आई हूँ तो चाय पीने का और ज़्यादा दिल करना स्टार्ट हो गया। चले फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपनी चाय और यहाँ पर चाय इन्जॉय करते हैं और टी वी लगाते हैं और थोड़ा सा मी टाइम करते हैं। तो आज मैंने जारसिफ से लिया उसका आईपैड बिग बॉस देखने के लिए कि थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, मज़ा आता है। और साथ चाय मेरी और जारसिफ लेगा मेरा फ़ोन। थैंक यू बेबी फॉर गिविंग मी योर आईपैड। ओके आज तो कर लो। सो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना फेवरेट काम और बनाने लगी थी एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट जिसका मैं आपको अभी नहीं बता रही, बट इंशाल्लाह आई थिंक एक वीक के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सुबह। बाहर का मौसम इस टाइम कुछ इस तरह से हो रहा है। मैं भी उठ के आई हूँ, 10:30 का टाइम हो रहा है, रात से अभी तक सोया हुआ है। तो टिप टिक टिक की आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा बारिश हो रही है देखते हैं, तो बारिश ही हो रही है और हवा भी चल रही है इस तरह से, बादल भी बने हुए आज। मज़े का मौसम है, देखने में तो बहुत मज़ा आता है ऐसे मौसम को। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो जिस दिन यूज़ारसिफ ने नर्सरी जाना होता है उस दिन मेरा सबसे पहले उठ के यही काम होता है, कपड़े आयरन करना यूज़ारसिफ के अपने। तो अभी बस मैं वही करने लगी हूँ सबसे पहले, उसके बाद जो है नाश्ता करेंगे, तब तक यूज़ारसिफ भी उठ जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई आज घर ना पूरा मेस्ड अप हुआ है, जहाँ भी जाओ कुछ एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। तो वीकेंड आने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि आज सारा कुछ सेट हो जाए ताकि वीकेंड जो है ना आराम से पीसफुल और नीट गुजरे। तो बस आज मैं सारी सफाइयाँ कर लूँगी। अभी तो खैर जारसी को नर्सरी पहले छोड़ के आती हूँ क्योंकि वो जब तक वो टाइम ना गुजरता टेंशन होती रहती है। खैर अभी बाहर अभी तक बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बट हम जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, भूख लग रही है। सो जारसिफ हो गया रेडी फॉर नर्सरी और कितने प्यारी शर्ट पहनी है ना, आउटफिट है पूरा। दिस लुक सो गुड ऑन यू बेबी, थैंक यू। तो अब जल्दी से सॉक्स पहन लो और मैं आपके इसको छोड़ दो। तो जारसिफ के बैग में एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखने होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो वाटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो ये रोज़ कपड़े गीले करके आता है, इसको वैसे ही पानी का बहुत शौक है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा कपड़े फिर जो है ना कहते हैं साथ इसके दिया करें। तो आज तो खैर बारिश हो रही, सर्दी आज नहीं जरूरत पड़ेगी, फिर भी बैग में रख देती हूँ मैं।
चलो जल्दी से खा लो, ये लो हरी आप ओ नो एक सेकंड चलो अब रेडी। सो वी आर फाइनली रेडी और अभी हम बस निकलने लगे। आज हमने टैक्सी बुक करवाई है क्योंकि आज जो ना बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और दूसरा मेरा उछलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था आज, क्योंकि मुझे घर के कुछ काम करने थे। अगर मैं वॉक करके जाती हूँ फिर घर आके जो ना मुझे सारे काम नहीं होते, तो इसलिए फिर आज मैंने टैक्सी बुक करवा ली। तो बस उसी का ही वेट कर रहे हैं, बस आने वाली होगी फिर हम निकलेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ड्राइविंग जो है ना वो करनी सीखनी पड़ेगी ताकि जो है ना आसानी हो। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि पाकिस्तान में अगर आप ड्राइविंग करते हो तो यहाँ पे आके आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, आपको दो टेस्ट लाजमी पास करने होते हैं, एक प्रैक्टिकल मतलब एक तो सीखने वाला और एक क्वेश्चन आंसर वो लोग करवाते हैं, मतलब एक टेस्ट होता है प्रॉपर, तो वो दोनों आपको पास करने होते हैं फिर आपको जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो बस इतना तेज़ बोल रही सांस चढ़ गया। खैर अभी बस टैक्सी आने वाली, फिर हम चलते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ की टैक्सी कैसे होती है, बहुत अच्छी होती है। तो चेक करें आसमान पे, क्या सूरज टाइप है, सूरज ही है, ये किस तरह का है, वाइट सा या मून तो नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो अभी बस टैक्सी आने वाली, तो हम यहाँ बाहर आकर खड़े हो गए। जार से को बड़ा शौक था बाहर भाग के जाने का, अभी बारिश हो रही है, गीला होके आ गए। वैसे ये रेन वाली है तो इट्स ओके, खुद ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। टैक्सी का वेट कर रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो कल इसके बैग में शर्ट थी लेकिन उनको मिली नहीं, तो उन्होंने अपनी मतलब नर्सरी की शर्ट जो है ना इसको पहना के घर भेज दिया था, तो अभी मैं वो भी वापस करूँगी। सो दिस इज़ आर टैक्सी, चलो। वैसे कैसा लग रहा है कार सीट के बाहर बैठकर, गुड बैड? कार सीट अच्छी है, ऊंची बोलो। चलो। तो मेरा सुबह पार्सल आया था जो कि मैंने अभी खोल के देखा है, बट अभी आई कांट शो इट टू यू गाइस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आई विल शो इट टू यू गाइस कि इसके अंदर क्या था और क्यों था। तो आज मैं पकाऊंगी आलू गोभी, तो ये चीजें लेके आ गई हूँ, अभी कट करेंगे उसके बाद वॉश वगैरह करेंगे फिर पकाते हैं। तो आज की बारिश के बाद तो मौसम और भी ठंडा हो गया, और ये मौसम तो पकौड़े बनाने वाला था खैर, बट वो कारा और इजार से इतने नहीं खाएंगे, मुझे पता है सिर्फ मैं ही खाऊंगी, तो इसलिए भी मैं नहीं बना रही। आलू गोभी बना लेते हैं क्योंकि वो सब खा लेते हैं। तो बारिश सुबह से लगातार हुई जा रही है, अभी तक नहीं रुकी। तो ये फिर इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं वॉश करने के लिए, पहले फिर इनको वॉश करते हैं उसके बाद ही अब खाना बनाते हैं। तो अभी मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं और ये प्लेट्स जो है ना तीन बर्तन फिर इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा गोभी आलू मैंने रख दिया है, मतलब थोड़ा सा पानी वगैरह छोड़ती है अपना, फिर देखते हैं। और आज मेरे दो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए हैं तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ की हालत भी बहुत बेहतर होगी, पहले से सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, ये अभी भी रह गया इस आरसी के टॉयज का, यू नो रैपर है, देखते आए हैं कि नहीं अभी तक। नो अभी तक नहीं आया, वेट करी मैं आरसी और वकार का। आरसिफ को पता है चाबी है लेकिन जान के डोर नॉक करता है कि मामा के दरवाजा खोले। अस्सलाम वालेकुम, कौ मिलना नहीं बाबा? क्या बाबा? ओ बाबा बाहर रह गए। कम मैं आपका वेट कर रही थी, आप लेट हो गए आरसिफ, लेट आए हो है? लेट हो गए आप आज। ओको ओहो, आज फिर आपने कपड़े चेंज किए हैं, फिर गीले किए थे ये? वाटर के साथ प्ले करते हो? स्टिकर वो लगा हुआ स्टिकर, आई कैन सी, ये देखो क्या लिखा हुआ है। मैं चौकी मार के बैठा था फिर। आप अच्छे बच्चे बने होगे ना इसलिए मिला। चलो शूज उतार लो जल्दी। मामा और भी क्लोज गीले किए थे, और भी। क्यों क्लोज गीले करते हो आप? एप्रन पहन के नहीं खेलते पानी के साथ? नहीं। व्हाई? आई मक्स क्या खाना खा के ले मैं। हाँ रोटी लेके आए हो, चलो लेट्स ईट, आ जाओ। और ये वाला जूस यहाँ का बहुत अच्छा है, तो ये भी खाने के साथ मैं पीने लगी हूँ। इधर सिर्फ आ गया है तो।
ओके दासिफ, आर यू हंग्री? यस और नो? ओके काम दे, आ जाओ, मुझे भी भूख लगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो थोड़ी देर, बस 15 मिनट सोई होंगी और मुझे इस बच्चे ने उठा दिया, इसने मुझे सोने नहीं दिया, वो कार मस्ती चला गया और इसने जो है ना मुझे ये दो मुझे वो दो कर करके उठा ही दिया। खुश हो अब? तो मुझे सोए हुए उठाया इन्होंने, 10-15 मिनट सिर्फ सोई थी मैं, तो इन्होंने मुझे उठा दिया, इसलिए थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो चाय बना के आते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो और थोड़ी सी होश आया, अब सोना तो ऑब्वियसली रात को ही है। तो मैं चाय बना के ले आई थी और जार साथ ही जार से को एप्पल काट के दिया और वो खा रहा है। और देखें पीछे सारा इसने दोबारा गंद जो है ना मचा दिया। ईट प्रॉपरली बेबी, ये देखें सारी चीज़ें फिर फैला दी। अब दोबारा इनको भी उठाते हैं, पहले चाय इंजॉय करते हैं। सो टुमारो आई एम फाइनली गोइंग आउट फॉर शॉपिंग एंड शॉपिंग फॉर वॉट, ये आप लोगों को व्लॉग कमिंग व्लॉग में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और अभी आज के दिन का यहाँ पे एंड करते हैं, होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बज रहे हैं रात के 1:15 AM एंड हैप्पी वीकेंड। और चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।